दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर चुका है टिल 3 मई तक। और दोस्तों, इस बीच हम सबको घर पे ही रहना है और आई होप आप भी घर पे हों और मैं भी घर पे हूँ। मगर क्या आप जानते हैं, इस बीच अगर हमको कोई इमरजेंसी में बाहर जाना है या फिर अगर कोई कहीं फंसे हुए हैं आपको वापस जाना है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि सारे स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एक अपने अपने स्टेट पे एक ऑनलाइन ई पास लॉन्च किया है। अब जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और उसके बाद आप जा सकते हैं अपना वो काम कंप्लीट करने में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप से वो ऑनलाइन ई पास को। सो गाइज, आई एम अरफात एंड वेलकम टू वेबटेक। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं घर पे बैठ के बोर हो रहा हूँ, चलो तो थोड़ा बाहर जाने का मौका मिला, बाहर जाके एंजॉय करेंगे, तो ये सोच आपका गलत है, ये आपका गलत फहमी है, क्योंकि सारे लोगों को अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। आप बाहर तभी जा सकते हैं जब आपके पास एक वैलिड रीजन होगा, और ये डिपेंड भी करते हैं अपने स्टेट पर कैसे COVID-19 का इफेक्ट है और कैसे वहाँ पर छूट है। जैसे कि यहाँ पर आपको कॉमन जो अलाउंस मिलने वाले हैं, आपका कोई इमरजेंसी ड्यूटी है, मेडिकल टीम, मेडिकल में आप कोई काम करते हैं, या फिर आप रिटेलर है, आपका ग्रोसरीज का कुछ सामान देना है, या फिर आप पुलिस में है, डिलीवरी बॉय का आप जॉब करते, तो ये सारे कुछ आपको सारे स्टेट में कॉमन देखने को मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है, तो सारे लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर आप अपने स्टेट को देखते हुए अपना लिंक में क्लिक करके जाके सारे डिटेल देख सकते हैं, सारे डिटेल देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे ये ऑनलाइन पास को अप्लाई कर सकेंगे। उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले आना है, और यहाँ पर आके आप देख सकते हैं सारे स्टेट का मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया, जैसे कि आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपका जो भी स्टेट है आप उस लिंक पर चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कोलकाता का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं कोलकाता का लिंक ओपन कर लिया, और यहाँ पर आप जैसे ओपन करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक IFD बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई कंपनी है, किसी इंप्लॉय को आप देना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर से कर सकते हैं, या फिर आप खुद का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं इंडिविजुअल दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली आपका एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर लिखना है, जो भी आप अगर अप्लाई कर ले आपका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, आपका एड्रेस यहाँ पर फुल एड्रेस इंटर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, और यहाँ पर आपको ईमेल ID इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना है आपका पर्पस। मैंने जैसे आपको बताया था, कुछ ही लिमिटेड यहाँ पर आपको दे रहा है, जैसे कि इमरजेंसी ड्यूटी, एसेंशियल सप्लाई ऑफ फूड, एसेंशियल सप्लाई ऑफ ग्रोसरीज, एसेंशियल सप्लाई ऑफ मेडिसिन, ई कॉमर्स डिलीवरी। वेस्ट बंगाल में फिलहाल कुछ लिमिटेड आ ही दे रहा है, जैसे कि आप दूसरे स्टेट में देखेंगे तो कुछ और भी छूट मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको व्हीकल चूज़ कर लेना है, 4-व्हीलर, गुड्स व्हीकल, जो भी यहाँ पर चूज़ करके यहाँ पर आप व्हीकल्स का नंबर भी इंटर करना है यहाँ पर आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको एरिया चूज़ करना है, जैसे कि कौन से एरिया में आप जाना चाहते हैं, आप जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, तो जो भी है यहाँ पर आपको इंटर करना है। यहाँ पर आपको फोटो ID इंटर करना है, और यहाँ पर आप JPG में आपको यहाँ पर इंटर करना है, मतलब आपका फ़ोटो खींच के इसको अपलोड करना है यहाँ पर, लाइक आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर कार्ड हो गया, या फिर पासपोर्ट, जो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड पर्पज़, यहाँ पर आप जो पर्पज़ से जा रहे हैं वहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कंपलसरी है इंटर करना। आप जैसे कि आप कुछ मेडिकल इश्यूज़ के लिए जा रहे हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन हो गया, या फिर जो भी आप एक PDF में लिख कर उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा को इंटर करके सबमिट कीजिए। बस विद इन 2-3 डेज के अंदर आपका जो पास है वो अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव होने के बाद आप इसको प्रिंट आउट करके अपने साथ लेके बाहर जा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो अप्रूव के बाद है ये पूरा डिपेंड करते हैं आप जो लोकल अथॉरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आपको अप्रूव करेगा या नहीं। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया कि सारे स्टेट का लिंक तो दिखाना मुश्किल है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे रिश्तेदारों के साथ, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, क्योंकि क्या पता किसी को मेडिकल इमरजेंसी होगा और उसके पास वैलिड रीज़न भी होगा जाने के लिए और वो नहीं जा पा रहा है, तो आप इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो वो ये वीडियो देखकर अपने पास को अप्लाई कर सकेंगे। और दोस्तों, अगर आपको कुछ इस वीडियो के डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मुझे DM करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। बाय।